तो मैंने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया। और उसके बाद जैसे जैसे जॉब आई, हालातों को लेकर, जैसे जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं को सिर्फ कॉमर्स में जॉब करनी थी एज एन अकाउंटेंट अंडर अ सीए, बट शादी होने के बाद मेरी प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई, मैंने घर में ट्यूशन्स लेना भी स्टार्ट कर लिया, मैं डिसलेक्सिक बच्चों को भी पढ़ाती हूँ, डिसलेक्सिक यानी जो तारे ज़मीन पर वाले बच्चे होते हैं, हाइपर एक्टिव या लोअर एक्टिव वो बच्चे, उनकी साइकोलॉजी समझना, उनको उस तरीके से प्रोजेक्ट करना, एंड आई वॉज फीलिंग हैप्पी अबाउट इट। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गोल, दैट यू डोंट रिग्रेट ऑन योर डिसीजंस, यू हैव टू बी हैप्पी ऑन वॉट यू डू। द बेस्ट पार्ट वॉज अबाउट माई प्रोफेशनल करियर, आई वॉज वर्किंग फॉर BPOs एंड आई वॉज गेनिंग एक्सपीरियंस फ्रॉम लॉट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स लाइक सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, एंड देन आई वॉज साइमल्टेनियसली वर्किंग ऑन दोज किड्स हु वर नॉट अंडरस्टूड बाई एवरीबडी, एंड आई वॉज द लकी वन। आई मीन आई गॉट स्टूडेंट्स जो शायद एक कमरे में बंद थे बहुत सालों से बिकॉज ऑफ देयर प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, और यू कैन से डिसलेक्सिया प्रॉब्लम, बट नाउ दे आर ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स, फैशन डिजाइनर्स, इनफैक्ट ब्यूटिशियंस, ऑल दिस। सो दिस वॉज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। फिर ऐसा हुआ कि ऑब्वियसली मेरी मैरिज काम नहीं कर पाई और आई हैड टू डिवोर्स माई हस्बैंड, बट दैट वॉज ओके टू मूव ऑन, इट्स ओके टू क्राई इट आउट, इट्स ओके टू टेक डिसीजंस फॉर योर सेल्फ, इट्स ओके इफ यू आर नॉट गेटिंग रिस्पेक्ट, सो यू हैव टू मूव आउट ऑफ योर सिचुएशंस, नॉट ओनली इन रिलेशनशिप, इवन प्रोफेशनली। तो मैंने डिसीजन लिया, और जब मैंने डिसीजन लिया आई वॉज रियली नॉट श्योर कि मैं कहाँ रहूँगी। इट वॉज 5 years अगो, एंड विद इन दिस 5 years आई डिड लॉट मैनी थिंग्स। मैंने स्विमिंग सीखी, मैं जिम ज्वाइन कर ली, मैंने मेरे बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई, आई एम टेकिंग केयर ऑफ देयर एजुकेशन, रेंट, एक्सपेंसेस ऑफ द हाउस इन मुंबई, ओके, विच इज़ अ वेरी बिग टास्क बिकॉज नॉट एवरीबडी गेट्स दिस अपॉर्चुनिटी टू गेट इट डन।